जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा सीपीयू की लाइट व्हाइट कलर में आ चुकी है और सिस्टम बूट होकर परफेक्टली काम कर रहा। मैं अभी चेक कर रहा हूँ काफ़ी देर से, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सेम इस तरह का प्रॉब्लम मेरा लैपटॉप डेल लैपटॉप के अंदर भी आ रहा था, उसका सोल्यूशन भी मैंने वीडियो बनाया मेरे चैनल के ऊपर। ऑलमोस्ट 100K 1 लाख के ऊपर व्यूज हो चुके हैं। थैंक यू फॉर दैट गाइस। वो वीडियो भी आप देखना चाह रहे हैं, आपके पास डेल लैपटॉप है तो ऊपर आई बटन पर लिख देते हो, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त ऑरेंज लाइट ब्लिंक हो रही, तो ये प्रॉब्लम चाहे कितना भी पावर ऑन करो ऑफ करो, मेन बटन ऑफ करो ऑन करो, ये प्रॉब्लम ऐसा ही आता है। तो आपको लॉन्ग प्रेस करके सीपीयू को पहले बंद कर देना है कुछ इस तरह से, फिर पावर बटन को ऑफ कर देना है गाइस, तो कुछ इस तरह से इसे नीचे की तरफ स्लाइड करके इसको कुछ इस तरह से खोल लेना है। पहले इसको इस तरह से स्लाइड डाउन करना है, फिर कुछ इस तरह से इसका कैप निकल जा रहा है, फिर स्टेप टू में सामने की तरफ खोलने के लिए यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 कुछ इस तरह से फ्रंट पैनल को निकाल देना है आपको। इसे बाजू रख देते, देख सकते हैं फ्रंट पैनल निकल चुका है। और अब रहा ये मेन पार्ट, इसके पीछे रैम्स रहते और M.2 SSD रहती, उसको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ इस तरह से पीछे की तरफ स्लाइड करना है। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये दो क्लिप्स है, धीरे से इसको ऊपर उठाकर इस तरह से निकाल देना है फ्रेंड्स, धीरे से करना है ये सब काम, और आप अपने ओन रिस्क पर ये काम कर सकते हैं, यानी तो किसी प्रोफेशनल का। आप ये जो भी कर रहे हैं अपने ओन रिस्क पे करिए, या फिर आपको जो हार्डवेयर नॉलेज है किसी बंदे को थोड़ा बहुत प्रोफेशनल है उनकी मदद ले सकते, यानी तो आप ये वीडियो देख के भी आराम से कर ले सकते फ्रेंड्स। अब ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है, ये है प्रोसेसर का फ़ैन, इसके नीचे प्रोसेसर है, ये दोनों 8 GB 8 GB के DDR4 रैम्स हैं। या और से देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का स्लॉट है फर्स्ट में, पीछे की तरफ ये वाइट कलर तो ब्लैक पे लगे हुआ है, तो ब्लैक स्लॉट्स पे मैंने लगाया हुआ है रैम्स को। चलिए निकालते हैं इसको, सिंपल है, कुछ इस तरह से स्लाइड डाउन करके ऊपर की तरफ खींच लेने से रैम आ जाती है बाहर। तो इन रैम्स को जैसे कि आप देख सकते हैं, इन रैम्स को हमें क्लीन करना है रबर की मदद से। रबर जो भी घर में रहता ना, स्कूल जो बच्चे हमारे यूज़ करते हैं, उस रबर से हमको कुछ इस तरह से अच्छे से क्लीन करना है। ये मोस्टली डस्ट फॉर्म होने की वजह से होता है फ्रेंड्स। तो आपको इन रबर को दोनों तरफ से अच्छे से क्लीन करना है। मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ दोनों रैम्स को। आपको इसको क्लीन करने के लिए कुछ इस तरह की एक टूल की ज़रूरत पड़ती है, ये ब्रश नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये एक्चुअली लेंस और सेंसर क्लीनर है कैमरे का, तो इससे भी आप इस तरह से अच्छे से रैम को क्लीन कर सकते हैं डस्ट को। मैंने ऑलरेडी, मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है तो उससे ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं GPU है इसका, मेरा GPU को क्लीन कर रहा हूँ इस ब्रश की मदद से। वैक्यूम क्लीनर से मैंने इसको टोटली क्लीन किया हुआ है, इसलिए ये क्लीन दिख रहा है आपको। तो आप इस तरह का ब्रश या आपके घर में अगर
ये कोई मेकअप का ब्रश है तो इसकी मदद से भी आप थोड़ा धीरे धीरे सारा आपका जो सीपीयू के इंटरनल पोर्ट्स है सबको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। हो सका तो रैम स्लॉट्स को भी क्लीन करके आप फिर से रैम्स को, अभी मैं क्या करता हूँ इन्हीं स्लॉट्स पे लगा के देखता हूँ, आ गया तो ठीक है डिस्प्ले, अगर नहीं आने पर फिर से निकाल कर इन स्लॉट्स पर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। और ये ब्रश काफ़ी ज़बरदस्त ब्रश है, इसे आप अपना पूरा सीपीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स, कीबोर्ड वगैरह साफ़ कर सकते हैं। हो सका तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिट कर देते हैं। रैम को फिट करने के लिए स्लॉट्स चेक कर लेना, पहले ऊपर का भी लॉक खोलना है। ऐसा आवाज़ आना चाहिए जब रैम फिक्स होता है तो, और ये गाले सही बैठना चाहिए, वो चीज़ का आप ध्यान रखो। और ये जो पॉइंट है ये भी करेक्ट से बैठना चाहिए। पहले ऊपर का खोल लेते हैं लॉक, या दैट्स इट, रैम अपना फिक्स हो चुका है, दोनों रैम्स अपनी जगह फिक्स हो चुके हैं। ये फोर स्लॉट्स में से दोनों ही स्लॉट्स में मैंने 8+8 16 GB को यूज़ किया है रैम। कुछ इस तरह से धीरे से, बिल्कुल धीरे से केबल्स को चेक कर लेते हुए लॉक कर देना है। देखिए लॉक हो चुका है, इनके क्लिप्स के अंदर इसमें बिठा कर लगा दिया, लगा के इसको फ्रंट साइड की तरफ खींचना है, लॉक हो जाएगा। केबल्स वगैरह अच्छे से देख के लॉक कर देना है। फिर चलिए इसका फ्रंट फेसिंग को लगा दें। तो चलिए ये फ्रंट वाले को फिट कर देते हैं। इसके लिए पहले आप इस साइड कॉर्नर्स को फिक्स करके सिंपली ये लॉक्स को बैठा देना है। फ्रेंड्स बस इस तरह से ये दबाने पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो चलिए सीपीयू को कनेक्ट करके अपने पीसी के साथ चेक करते हैं, होपफुली आना चाहिए। तो मिलते हैं पीसी को ऑन करके। ओके तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सीपीयू को सारे केबल्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस करके देखते हैं कि आ जाना चाहिए सीपीयू हमारा, ऑन हो जाना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह फर्स्ट जैसा ही पावर आता है तो यहाँ पर ऑन होकर ऑरेंज लाइट आती थी जब मैं पावर बटन को प्रेस करता था। तो अभी देखते हैं कि, चलिए ऐसे बिस्मिल्लाह ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया मैं, देखिए ये वाइट लाइट पर ही अभी ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिस्प्ले भी आ गया ये आप देख सकते हैं सिस्टम में। तो चलिए पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। तो सिस्टम हमारा बूट हो चुका है। सिर्फ सिस्टम बूट होने से कुछ नहीं होता, एक बार हमें चेक करना है कि इसके अंदर रैम परफेक्ट बता रहा नहीं, क्योंकि मेरा 16 GB DDR4 रैम है तो अंदर बता रहा नहीं, वो चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, सिस्टम हमारा बूट हो चुका है परफेक्टली। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बस वाला बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए सिस्टम के अंदर जाके आपको बताता हूँ कि रैम इसके अंदर 16 GB बता रहा है या नहीं। तो लेट्स गेट इन टू द PC। आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 11 प्रो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, फिर जाते हैं अबाउट माय PC। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड रैम 16 GB 15.9 GB इज़ यूजेबल। ओके तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के टेक अनबॉक्सिंग, गेमिंग रिलेटेड वीडियोस जब भी मेरे चैनल पर अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग कज़िम्स टेक्नोलॉजी।